क्लास एट पाठ आठवां हम लोग आज अंधेर नगरी नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसकी जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उन्हीं के साहित्य का यह एक रचना है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग कवि का परिचय जान लें, क्योंकि कवि का परिचय जानना जीवन पर्यंत काम आएगा और जानना भी चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक संपन्न परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने साहित्य की प्रायः सभी विधाओं को समृद्ध किया। उन्होंने नाटक, कविता, कथा, साहित्य, पत्र पत्रिकाओं के संपादन आदि क्षेत्रों में युग प्रवर्तक का कार्य किया। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, स्वभाषा प्रेम तथा समाज सुधार का स्वर प्रमुख है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रबोधिनी, भक्तमाल, भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली आदि। साहित्य सेवा के कारण उनको भारतेंदु की उपाधि मिली। उनके काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है और अल्पायु में ही वह 1885 ईस्वी में ही उनका निधन हो गया। तो आइए अब हम लोग देखें कि उन्होंने अपने इस साहित्य में, अपनी रचना में हम लोगों को अपने नाटक के माध्यम से क्या बताते हैं। तो नाटक में सबसे पहले पात्र लोगों का नाम जान लेना आवश्यक होता है। तो जैसे कि इस नाटक में, अंधेर नगरी नामक नाटक में, महंत जी हैं, गोवर्धन दास जी हैं, नारायण दास जी हैं, बनिया है, कुंजड़िन है, हलवाई है, राजा हैं, फरियादी हैं, मंत्री हैं, कल्लू हैं, कारीगर हैं, चूने वाला है, भिस्ती है, गडेरिया है, कोतवाल है, प्यादा है, सिपाही आदि। नाटक में इन पात्रों के बाद में आता है स्थान जहाँ की ये नाटक रूप को मंच कहिए। तो स्थान है बाह्य प्रांत, यानी बाहर का जगह। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं और उनके पीछे पीछे उनके चेले जो हैं, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी का को भोग लगाए। नारायण दास जी, गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। अब देखिए, फिर महंत जी क्या कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा, देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो सालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। सालग्राम जी देवता हैं, उन्हीं को भोग लगाने के लिए महंत जी अपने दिन दोनों चेलों को, नारायण दास को और गोवर्धन को, अलग अलग दिशाओं में, पूरब और पश्चिम दिशाओं में नगर में जाने के लिए कहते हैं। गोवर्धन दास, गुरु जी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवर दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत सिखलाते हैं, बच्चा बहुत लोभ मत करना। और इसी प्रकार गाते हुए सब चले जाते हैं, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। दृश्य दूसरा आ रहा है। अब यह दृश्य जो है, इसका सीन तैयार हो रहा है बाजार में। बाजार में सभी अपना सामान आवाजें लगा करके बेच रहे हैं, जैसा कि आप लोग भी फील करते होंगे
बाजार में जाइएगा तो सब लोग अपने अलग अलग चीजों की, अभी तो युग हाईटेक का हो गया है, तो कोई माइक से, तो कोई मोबाइल पर, तो कोई पेंटिंग के माध्यम से, कोई प्रिंटिंग के माध्यम से, कोई पेपर में अपना एडवर्टाइज दे करके और विज्ञापन दे करके प्रचार करते हैं लोग। लेकिन अभी भी कुछ वैसे स्थान है, जैसे गोला वगैरह में जाइएगा, सब्जी गोला में, तो आपको आवाज लगाते हुए दुकानदार मिल जाएंगे। बाजार में सभी अपना सामान आवाज लगा कर बेच रहे हैं, गोवर्धन दास आता है, गोवर्धन दास क्यों भाई बनिए आटा कितने से, तो बनिया कहता है टके से, टके मने एक टका का एक शेर, गोवर्धन दास, और चावल। बनिया फिर बताता है टके से, फिर गोवर्धन दास दूसरे चीजों का दाम पूछता है, चीनी और घी का, बनिया बताता है टके से। गोवर्धन दास जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि सब टके से सचमुच, तो बनिया कहता हाँ महाराज क्यों झूठ बोलूंगा। गोवर्धन दास कुंजरिन के पास जाकर के पूछते हैं क्यों माई भाजी क्या भाव, तो कुंजरिन कहती है बाबा जी टके से लौकी आलू धनिया मिर्चा साग सब टके से। गोवर्धन दास बहुत खुश होते हैं, कहते हैं वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके से हैं। हलवाई के पास भी जाकर के ट्राई लेते हैं, क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने शेर, तो हलवाई कहता है बाबा जी सब टके शेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके शेर बिकती है। गोवर्धन दास कहते हैं क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है, तो हलवाई कहता है अंधेर नगरी, और राजा का क्या नाम है, तो हलवाई बताता है चौपट राजा, उसी पर यह नाटक बना हुआ है अंधेर नगरी चौपट राजा। गोवर्धन दास वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यह बहुत बड़ा कहावत है, लोकोक्ति है। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। छकना तृप्ति मिलना, जब हम लोग कभी अपने घर में बाहर में भोज में खूब खाने का आनंद लेते हैं, उसको ही छकना कहता है, छकना कहा जाता है। खास करके पंजाबी लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं छकना शब्द का, और छकने से मनुष्य को खाने की तृप्ति मिल जाती है। बाबा गोवर्धन दास मिठाई लेकर जाते हैं। अब देखिए सीन चेंज हो रहा है, तीसरा दृश्य स्थान जंगल है, महंत। अब महंत बाबा के पास पहुंचे लोग अपने गुरुजी के पास, महंत बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो बड़ी भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई है। महंत देखो बच्चा झोली खोलकर, वाह वाह बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। बाबा भी गुरुजी भी बड़ी खुश हो गए कि वाह 3.5 शेर मिठाई कहाँ से लाया भाई। गोवर्धन दास गुरु जी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत बच्चा नारायण दास से मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सर मिलती है, तो मैंने इसकी बातों का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टके सर भाजी और टके सर खाजा है। गोवर्धन दास अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1,000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास गुरु जी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है
दो पैसा पास रहने से ही मजे में पेट भरता है, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगे तो भी दूसरे जगह दिन भर मांगे तो भी पेट नहीं भरता। बाजे बाजे कभी कभी दिन तो उपवास ही करना पड़ता है, तो सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत कहते हैं कि देख बच्चा, चलो यहाँ से, नहीं तो पछताएगा। गोवर्धन दास जी कहते हैं कि आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यहीं कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। मैं तो इस नगरी में एक क्षण भर भी नहीं रहूँगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ और इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरु जी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। कहने का मतलब ये कि गुरु जी विद्वान थे, लालची नहीं थे और वह दुनिया की परख रखने वाले व्यक्ति थे। सो उन्होंने समझ लिया कि भाई नगरी रहने लायक नहीं है, यहाँ छलावा है, जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है, आगे चल कर के काम बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगा। लेकिन गोवर्धन दास जी कहते हैं कि अरे राम राम, ऐसा नगरी छोड़ करके मैं नहीं जा सकता, ये बड़ी सुंदर नगरी है, यहाँ हमको भर पेट भोजन मिल जाएगा। इसके बाद गुरु जी अपने नारायण दास चेला को लेकर के चले जाते हैं, गोवर्धन दास जी बैठ करके मिठाई खाते हैं। अब चौथा दृश्य आ रहा है, स्थान है राजसभा। राजा मंत्री और अन्य सभासद यथास्थान बैठे हैं। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दोहाई है महाराज, दोहाई है, हमारा न्याय हो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ। महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दोहाई है महाराज, न्याय हो। हमको जहाँ तक याद पड़ता है, पहले जब हम लोग के यहाँ सरस्वती पूजा या कोई फंक्शन वगैरह मनता था, उसमें हम लोग के यहाँ एक बसंत सर जी थे जो कि अभी सरकारी विद्यालय में चले गए हैं। उन्होंने इस नाटक को बच्चों के माध्यम से करवाया था, शायद चमकीली कोठी में उस समय क्लास चलता था, जहाँ तक हमको याद है वहाँ पर इस नाटक को हमारे स्कूल के बच्चे विद्यार्थी लड़का लड़की दोनों मिलकर के बहुत अच्छा से नाटक को प्रस्तुत करने का काम किया था और बहुत जचा भी था यह नाटक। अब सभी लोगों ने ध्यान से इस नाटक को देखा और बड़ी सब लोगों की, सभी बच्चों की और जो जो सर उसमें अपना योगदान दिए थे सब लोगों की बहुत माने बुझिए कि प्रशंसा हुई थी, हमको याद है। तो यहाँ स्थान चेंज हो गया है, स्थान आ गया अब राज्यसभा का। राज्यसभा में एक फरियादी आता है। फरियादी कहता है कि देखिए, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दोहाई है महाराज, न्याय हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ ला। मंत्री कहते हैं महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा उसका भाई लड़का दोस्त जो हो उसको पकड़ ला। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा कलुए बनिए को पकड़ लाओ। नौकर बनियों को पकड़ लाते हैं। राजा कहते हैं क्यों बे बनिए, इसकी बकरी क्यों दब कर मर गई। कल्लू कहता है महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कारीगर को पकड़ लाते हैं, क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। कारीगर, महाराज कुछ मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया, बोदा मने खराब, कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा उस कारीगर को निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। चूने वाला को पकड़ करके लाया जाता है, क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में ढेर सा पानी दे दिया। भिस्ती, पहले के जमाने में भिस्ती लोग हुआ करते थे जो कि पानी डाला करते थे किसी चीज़ में, प्यासे को या
कुएं से निकाल करके रखते थे उसमें भिस्ती, उसको भिस्ती कहा जाता था, पानी पिलाने का काम करते थे वे लोग। इसी से चूना कमजोर हो गया राजा। अच्छा चूने वाले को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती लाया जाता है, क्यों पे भिस्ती? गंगा जमुना की किस्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, मशक वाले ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी जा देगा। मशक जिसमें पानी रखा जाता है, चमड़े का बनता था पहले के जमाने में। अच्छा मशक वाले को लाओ, भिस्ती को निकालो। मशक वाले को लाया जाता है, क्यों पे मशक वाले? मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? मशक वाला, महाराज गणेरिये ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा मशक चमड़ा का बनता है। अच्छा मशक वाले को निकालो, गणेरिये को लाओ। गणेरिया आता है, क्यों पे गणेरिये? ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? तो गणेरिया कहता है, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को भी पकड़ लाओ। कोतवाल आता है, क्यों बे कोतवाल? तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गणेरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची जिससे बकरी गिर कर कल्लू बनिया दब गया, जिससे बकरी गिर कर कल्लू बनिया दब गया। दीवार गिर कर यहाँ पर होना चाहिए था, ना जाने नाटक में क्या लिखा हुआ, भगवान जाने। कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि अब बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ हाँ यह नहीं, तुमने ऐसी, राजा फिर कहते हैं कि हाँ हाँ या नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दब गई? कोतवाल, महाराज महाराज। राजा कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को भी फांसी दे दो और दरबार को बर्खास्त कर दिया जाता है। अब देखिए, एक बकरी दबने के कारण अंधेर नगरी के चौपट राजा जी ना जाने कितने 500 लोगों को उस केस में हाजिर करवा दिए अपने दरबार में, और सबसे सिर्फ एक ही सवाल, तुमने चूना क्यों मिलाया, तुमने शाही सवारी क्यों निकाली, तो तुमने भेड़ क्यों बेची? हजारों सवाल। गोवर्धन दास, अब पांचवा दृश्य आ रहा, स्थान है अरण्य जंगल। गुरु गोवर्धन दास कहते हैं, गुरु जी ने नाहक ही हमको यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राज काज में थोड़े हैं कि कुछ डर है, रोज मिठाई चाबना, मजे में आनंद से राम भजन करना है। मिठाई खाता है, चारों प्यादे चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मोटाया, आज तेरी उम्र पूरी हुई, घबरा कर है यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आपने बिगाड़ा है बनाया, इससे क्या मतलब, चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी, अरे बाप रे बाप, फांसी मैंने किसके प्राण लिए कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी यह कहाँ का न्याय है, और फकीरों से हंसी नहीं करनी होती? पहला प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा हंसी है या सच, सीधी राह से चलते हैं कि घसीट कर ले चलें। गोवर्धन दास, अरे बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को ना हक फांसी देते हो? पहला प्यादा बोलता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म था, हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं, हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटे आदमी को पकड़ कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने का अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा, इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे दे। वाह वाह वाह,
अब गोवर्धन दास जी घबरा करके कहते हैं कि अरे तो क्या कोई मोटा आदमी तुमको इस नगर भर में नहीं मिला जो मुझे ही ले जाते हो। पहला पैदा बोलते इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, और दूसरे और किसी को पकड़े तो वहाँ ना जाने क्या क्या बात बनावे कि हम ही के सिर कहीं ना आ पड़े। और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इसी से तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे यहाँ तो बड़ा अंधेर है, मैंने गुरु जी महाराज का कहा नहीं माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ेगा। गुरु जी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, मैं बे अपराध मारा जाता हूँ। गुरु जी गुरु जी, गोवर्धन दास चिल्लाते हैं, चले जाते हैं, आप प्यादे उनको पकड़ करके ले जा रहे हैं। अब इसके आगे आपको आ रहा है छठा दृश्य, जिसका स्थान है फांसी घर। पाठ लंबा है, आप लोगों को अगले वीडियो में इसको क्लियर करूंगा, और तब तक इस नाटक को आप लोग अपने अपने घरों में दो बार अच्छा से पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, शब्दार्थ टोटल याद कीजिएगा, मुहावरे देखिएगा, याद कीजिएगा, और जब यह पाठ समाप्त हो जाएगा तब आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। धन्यवाद।